हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास राहुल। और आज मेरे साथ मेरी फ्रेंड है निकिता, जो कि हॉस्पिटल में वर्क करती है, और वो आप सबको रिगार्डिंग टू COVID-19 कुछ अवेयरनेस देना चाह रही है, मेरी फ्रेंड निको। अब आप सुनेंगे अगली आवाज निको की। सो निको, वेलकम। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू राहुल, जो आपने मुझे आज अपने यहाँ घर में इन्वाइट किया रिगार्डिंग, जिससे मैं बाकी तुम्हारे जितने भी फॉलोवर्स फैन फॉलोवर्स हैं उनको इस कोविड के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे पाऊँ। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निकिता, आई एम वर्किंग इन हॉस्पिटल, आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर। सो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाह रही हूँ दोस्तों, जो कि कई लोग इस चीज़ को बहुत न्यूट्रल हो गए हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि नहीं, थोड़ी सी इस चीज़ में जो चीज़ है वो रियल में है। तो आज मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे पहले, कई लोग ड्राइव कर रहे हैं या व्हीकल में जा रहे हैं तो वो मास्क यूँ नहीं पहन के, यूँ पहन रहे हैं या यूँ पहन रहे हैं। सो ये पहनना इज़ यूज़लेस, इससे अच्छा कि आप मत ही पहनो, और अगर पहन रहे हो तो प्रॉपर वे में प्रोटेक्शन रखो। यूँ पहनने का मतलब आप अपने लिप्स के पार्ट को कवर कर रहे हो, अपने माउथ को कवर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने प्रॉपर मास्क इस तरह से पहनिए। आई नो कि इसको पहनना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें ब्रीथ नहीं ली जाती है, तो लोगों को लगता है ब्रीथ नहीं ले पा रहे, भाई ब्रीथ के लिए कर लो, तो ये सही नहीं है दोस्तों। जो भी मास्क में भी काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, काफ़ी चीज़ें बन रही है बाहर, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ें सही है कौन सी चीज़ें गलत है। मास्क में जब ब्रीथ नहीं ली जाती है, जैसे मैंने इसमें फ्लो किया है, तो मेरी अंदर की एयर बाहर नहीं आ रही है, दैट्स मीन ये वर्किंग है, मतलब ये अच्छा मास्क है। मैं ये नहीं कह रही कि हर मास्क ख़राब है, बट मास्क में भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं और लोगों को प्रॉपर पहनना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप हेलमेट लगा रहे हैं, अगर आपने फुल हेलमेट पहन रखा है विद ग्लास लगा रखा है, तब अगर मास्क आप नहीं भी पहने तो भी सेफ़ हैं, क्योंकि आपने ग्लास से कवर कर रखा है। अगर आपके मिरर ही नहीं है और फिर भी आप बिना मास्क के ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, वो आपके लिए भी रिस्की है दोस्तों, और साथ में दूसरों के लिए भी रिस्की है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अगर मास्क पहन रहे हैं तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, प्रॉपर वे में मास्क पहने, अदरवाइज़ इसको पहनना यूज़लेस है। पॉइंट ये है कि अभी जैसे मास्क कई लोग पहन रहे हैं, सर्जिकल मास्क आते हैं जो कि डेली डिस्पोजेबल होते हैं। डेली डिस्पोजेबल मीन्स वो वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, कई लोग उसको वॉश कर करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वॉश करके यूज़ करने का मतलब कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसके सारे फाइबर्स जो भी हैं, वो जितने भी उसकी लेयर्स हैं वो सारी की सारी ख़राब हो गई है। ऐसे N95 है, उसको भी हम वॉश नहीं करते हैं, क्योंकि वॉश करने से वो अंदर जो उसका जो प्रोटेक्शन है वो तो यूज़लेस हो गई। ऐसे में कई ऐसे मास्क हैं जिसको आप कूल डाउन कर सकते हैं। अब कूल डाउन मीन्स ये होता है कि जैसे आज आपने, आपके पास मान लीजिए 7 तरह के मास्क हैं, आप उसमें चाहे तो डेट डाल दीजिए या चाहे तो डेज डाल दीजिए, डेज के अकॉर्डिंगली आपने उसको पहन लिया। अब एक मास्क को कम से कम आपने पहना, फॉर एग्जांपल मंडे पहनने के बाद आपने उसको चेंज करा, उसको कूल डाउन होने के लिए ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे किसी का कोई हाथ नहीं लगे और किसी का वो कांटेक्ट में ना है। घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रखिएगा, या कोई कबर्ड में या कोई बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में रख के उसको रख दिया, 7 डेज़ के लिए आपको उसको छोड़ देना है। फिर ट्यूज़डे जो आपने डेट डाली, ट्यूज़डे दूसरा पहन लीजिए, 7 डेज़ के बाद दोबारा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं आप लेना चाहें तो कॉटन मास्क आ रहे हैं, जैसे 3 लेयर मास्क है, 5 लेयर मास्क हैं, तो वो ये कॉटन मास्क है, ये इजीली वॉशेबल है। वॉशेबल में भी आप चाहें तो डिटॉल थोड़ा सा अपना लिक्विड वार्म वाटर कर लें और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल के उसको हल्का सा वॉश करा और आपने उसको बाहर सूखने के लिए रख दिया, या थोड़ा सा जो भी आपका साबुन है, डिटर्जेंट है, जो भी यूज़ करते हैं उससे भी आप वॉश करके डाल सकते हैं। ज़्यादा इसको घसे ना, ज़्यादा घसने से क्या होगा कि ये ख़राब हो जाएगा मास्क। तो जितने कई लोग होते हैं जो बिल्कुल मास्क एकदम पतला हो गया है फिर भी लगा रहे हैं, तो इससे बेटर है या फिर आप डबल लेयर का रुमाल या वो स्कार्फ बांध लें, तो इसको अवॉइड करें। आप जो पतला हो जाता है मास्क उसको डिस्कार्ड करें, और डिस्कार्ड भी प्रॉपर डस्टबिन में डालें ढक्कन वाले पे, जिससे आगे वो कहीं ऐसे रोड पे ना फेंकें। कई लोग रोड में फेंक रहे हैं मास्क, जिससे जानवर बेचारे वो क्या समझेंगे, वो खा लेंगे, तो आगे कहाँ ये चीज़ें फैलती जाएगी। तो जितना हो सके प्लीज़ इन सब चीज़ों का विशेष तौर से आप ध्यान रखिए। फोर्थ पॉइंट है बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर किड। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे सारे घर पे लॉक्ड हो गए हैं, बेचारे बाहर नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज़ उनके लिए सेफ़ नहीं है, घर बैठ के बेचारों का, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन ज़्यादा चालू हो गया है, तो स्क्रीन ऑब्वियसली उनके पास कोई दूसरा सोर्स है नहीं, वो स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं। तो जितना हो सके बच्चे अगर टीवी पे देख पाए उनकी आइज़ के लिए उतना अच्छा है,
टीवी कभी भी आइज़ को ज़्यादा हार्म नहीं करता रादर देन द स्क्रीन। स्क्रीन आपके हमेशा जैसे मोबाइल्स वगैरह बहुत नियर में होता है, वो बच्चों को इरिटेशन करते हैं, रेडनेस हो जाती है। आए दिन बच्चे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, ईचिंग प्रॉब्लम, रेडनेस प्रॉब्लम, पेन प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीनिंग। तो जितना हो सके आप अगर बड़े स्क्रीन में बच्चों को दिखाएं, उतना उनकी आइज़ के लिए सेफ रहेगा। अभी कई बच्चे इंजरी केसेस इतने बढ़ गए हैं हॉस्पिटल में हमारे, कि वो बच्चे घर में बैठे बैठे एक बोर हो गए हैं तो वो खेल रहे हैं, कभी तीर से खेल रहे हैं, कभी पेंसिल से खेल रहे हैं। ऐसे में बच्चों की आईज़ में बहुत इंजरीज़ हुई हैं, 2-3 केस ऐसे ही आए हैं बच्चों की आईज़ में बहुत डैमेज हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप ऐसी हार्मफुल चीज़ों को प्लीज़ हाइड कर दीजिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे नादान हैं। सही बात है, पेरेंट्स एक हद तक बच्चों के पीछे कितना भागेंगे, बट इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को पूरा ध्यान रखें, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हाइड कर दीजिए, जितना हो सके बच्चों को सॉफ्ट चीज़ें दीजिए जिससे उनको लगने के गिरने के चांसेस कम रहें। और ऐसे टाइम पे अगर आप मोबाइल भी दे देते हैं बच्चों को, आई डोंट थिंक सो कि बच्चों के लिए कोई नुकसान रहेगा, क्योंकि अभी ये नॉर्मली हो गया है, क्योंकि सब बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस ही इतना लंबा लंबा चल रहा है। तो स्क्रीन दे सकते हैं, कम से कम एटलीस्ट उनके आई में कोई इंजरी तो नहीं होगी, बट ऐसे हार्मफुल खिलौने प्लीज़ आप अवॉइड करें। कोशिश कीजिए सॉफ्ट टॉयज दीजिए या ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उनको आँखों में लगने के चांसेस ना हो। सो प्लीज़ बच्चों का बहुत ध्यान रखें आप। सो दूसरी चीज़ जो दूसरा टिप मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो समझते हैं कि हमारे लिए सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। इस टाइम पे सैनिटाइज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कोई व्हीकल में ड्राइव करके जा रहा है, उसके वहाँ पे साधन नहीं है किसी चीज़ का हैंड वॉश करने के लिए, जैसे मैंने आप देख रहे हैं ये लेंस क्लिंजर आता है जिससे हम अपने चश्मे के लेंस को क्लीन करते हैं। अभी सैनिटाइज़र हर एक चीज़ इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो हम अपने आप की पैसों की बचत और हर जो भी सोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसको हम ऐसे अननेसेसरी वेस्ट ना करें। तो मैंने इसको बॉटल में, ये बॉटल है जिसमें चश्मा क्लीन करते हैं जिसको हम लेंस क्लिंजर बोलते हैं, उसको मैंने इसको खाली कर दिया है। ये खाली बॉटल थी मेरे पास, इसको मैंने इसके अंदर मैंने सैनिटाइज़र डाल दिया है। अब इसमें क्या है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे बहुत कम अमाउंट में ये वेस्ट होगा और प्रॉपर यूटिलाइज होगा। अब जैसे मैंने इसको लगा लिया, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूज़ कर लिया बिकॉज मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मेरे को साबुन या पानी मिले, तो ये प्रॉपर वे में मैंने आपका हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लिया। फिर दोस्तों अगर आप घर पे हैं या आप अपने किसी ऑफिस में हैं, तो 99.99% सब ऑफिस में सोप और वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इन दैट केसेस आप उस टाइम पे ये सैनिटाइज़र का यूज़ ना करें, आप सोप और वाटर से अपने प्रॉपर हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज़ करें, प्रॉपर वे में आप अपने हैंड्स को क्लीन करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो सैनिटाइज़र है ये उस टाइम पे ज़्यादा यूटिलाइज है कि बाहर है, बट अगर जहाँ सोप और वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको बार बार यूज़ करने से हमारे हाथ के ऊपर एक लेयर बन जाती है। ये मतलब क्लीन तो कर रहा है पर इसके ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ा रहा है, तो प्रॉपर क्लीनिंग तभी होगी जब आप अपने हाथ को साबुन से पानी से धोएं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस आप घर पे भी, कई लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं कौन साबुन से हाथ धोगा, सैनिटाइज़र है चलो धो लिया हो गया साफ, नहीं, आपको हाथ को साबुन से ही धोना है अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। ये इमरजेंसी के लिए है दोस्तों, इसका ज़्यादा यूज़ भी हार्मफुल है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, इमरजेंसी पे यूज़ करें। जैसे बाहर निकल रहे हैं, कई चीज़ को टच कर लिया, आप उसको यूज़ कर लीजिए। अब इसका एक और बेनिफिट है फिस का, इसको मैंने फिस नाम दिया है क्योंकि ये कम मात्रा में यूज़ हो रहा है। मैं जैसे कई मान लीजिए मैं किसी चेयर पे बैठी हूँ या मैं कहीं खड़ी हूँ या किसी मैंने डोर नॉब को पकड़ लिया, तो मैं इसको वहीं पर सैनिटाइज़ कर सकती हूँ, तो वो चीज़ सैनिटाइज़ हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये अवेलेबल हो, पर अगर है तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अपना नॉर्मल सैनिटाइजर भी साथ रखिए। बट अगर जहाँ सोप और पानी है तो प्लीज़ आप उसको सोप और पानी से अपने हाथ को अच्छे से धोए। सेकेंड थिंग, अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट, जितना हो सके अब घर से कम ही निकलिए। जैसे हम हॉस्पिटल में करते हैं तो हम लोग पूरी प्रोटेक्शन पहनते हैं, उसके बावजूद भी हमें घर आके हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आके बात लेना पड़ता है। तो आप भी जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ ज़्यादा लोगों की गैदरिंग है दोस्तों, तो आप घर आके प्लीज़ एक बार आप
शावर ले लें, अपने कपड़ों को चेंज करें, आप उसको धोने के लिए वॉश करने के लिए डालें। अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट उसको 3 दिन तक उस कपड़ों को पहने ना, धूप में रख दें एकदम, उसको टच ना करें। डिसइंफेक्टेड स्प्रे आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अननेसेसरी चीज़ें खरीदें, बट एटलीस्ट अगर जितना हो सके अपने आप को अवेयर करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, गर्म पानी पिएं, और अपनी इम्यूनिटी जितनी तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टर अपने मतलब लाइक अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रांग बनाते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना हो सके सोशल गैदरिंग मत कीजिए, जितनी हो सके जो कोई सी चीज़ें घर पे ही बनाना और उसी को खाना प्रेफर करें, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें जितना हो सके। आप हम सभी जानते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं, एक तरह का रिग्रेशन आ गया है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, सैलरीज नहीं आ रही है टाइम पे, वो भी डिडक्ट होके आ रही है, तो इस टाइम पे घर चलाना बहुत मुश्किल है, ये हम समझते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी सेफ़ रहें और हर चीज़ की यूटिलाइजिंग को बचाएं, अननेसेसरी चीज़ों को खर्च ना करें। आप इस चीज़ को सेव करेंगे तभी आप आगे थोड़ा कुछ हेल्प कर पाएंगे। तो अभी अननेसेसरी पैसे वेस्ट ना करें, उसको सेव करें, और जितना हो सके आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आपसे आज यही रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक्स अगेन राहुल कि आपने मुझे ये मौका दिया है बोलने के लिए। आई नो दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज बहुत बोर किया है, बट ये बोरियत नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस है। तो बी अवेयर, बी सेफ, एंड प्लीज स्टे एट होम। तो दोस्तों, निकिता ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया आपको भी और मुझे भी। तो गाइस, सेफ रहे, कोरोना से बचे, और जल्दी आता हूँ नए व्लॉग के साथ बिंदास राहुल पे। बाय बाय।